उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो दोस्तों आज गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे गुड़हल के प्लांट में अभी क्या काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल देना है तो हमें कौन सी खाद देनी है। इससे पहले मैं बताऊं कि हमारी सोसाइटी देखो राम के रंग में कैसे रंग गई है। अयोध्या में राम आने वाले हैं, लेकिन यह सोसाइटी में देखो, मेरे घर पर भी लगाया है, पूरी सोसाइटी में देखो, तो पूरी सोसाइटी आज हमारी अयोध्या बन गई है। तो चलो फिर आ जाता है वीडियो पे। तो गुड़हल पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें क्या करना है और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो मेरी कलियाँ, एक भी ऐसी डाली नहीं है कि जहाँ कली ना बनी हो। एक एक डाली पे तीन चार कलियाँ, तो आप, मैं दूर से मेरा प्लांट दिखाऊँ, आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी कलियां है और कले दो फूल आए थे। हमेशा इसमें दो तीन फूल खिलते रहते हैं और मेरे पास 10 गुड़हल है, एक ए वाला, ये हाइब्रिड है। इसमें भी कलियां देखो, इसमें भी बन रही है। और ये देखो मैंने इसको एक छोड़ दिया है कि मैं सोच रही हूँ इसमें सीड्स बनता है कि नहीं बनता है वो मेरे दिखने के लिए। ये भी मेरा देसी है, पिंक आता है डबल गुच्छा में। यहाँ भी देखो, मैं बस आपको वही कलियां मैं दिखाने जा रही हूँ कि मेरे गुड़हल में देखो, ये मेरा हाइब्रिड है, ये भी बड़ा आता है, ऑरेंज कलर का है, वहाँ भी कलियां बनी हुई है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी कलियां हैं और ये वाइट देखो, कितनी ढेर सारी कलियां हैं देखो, और फूल भी खिला है यहाँ देखो ऊपर। एक भी डाली ऐसी नहीं है, अभी आज ये फूल खिलेगा, कलियाँ देखो खुश हो जाए, इतनी मेरे गुड़हल पे कलियाँ, मेरे प्लांट यहाँ, मेरे धूप भी नहीं आती है, मेरे शाम को बस 4:30 बजे के बाद धूप आती है, अभी जनवरी महीना के बाद। पहले तो मेरे बिल्कुल धूप नहीं आती, ऐसा ही समझो कि मेरा प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट में पला है और गमले में है, फिर भी इतनी सारी मेरे, अगर मेरे प्लांट पर धूप मिले तो मेरा इतना फूल आए, आपको मैं बता ही नहीं सकती कि कितना फूल आएगा इसमें। तो एक भी डाली ऐसी नहीं है कि जहाँ मेरे डाली पे कलियाँ ना बनी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें कौन सी खाद देनी है, कैसी मिट्टी बनानी है। तो मैंने आपको, आप मेरा गुड़हल तो बता दिया, तो पहला हमें अभी उत्तरायण के बाद अब अच्छी सी धीमे धीमे धूप शुरू हो जाएगी। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो पहले तो आप अपने प्लांट में गुडाई कर दो, क्योंकि अभी जैसे ही जनवरी ख़त्म हो जाएगी फेब्रुआरी महीना शुरू हो जाएगा, बसंत ऋतु आएगी। तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि हमारे प्लांट में नई डालियां, मतलब नई अच्छी सी ग्रोथ होती है। और ये मेरी मिट्टी देखो, कल मैंने पानी नहीं डाला था, परसों डाला था, तो ऐसी मिट्टी भुरभुरी होती है। तो हमारे गार्डन में, मतलब हमारे प्लांट में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जब हमारे प्लांट की मिट्टी में पानी ठहर जाता है तभी हमारे प्लांट फंगस का शिकार हो जाता है, वरना हमारे प्लांट में कोई नुकसान नहीं होता है। मिलीबग तो मेरे प्लांट में कभी भी आता नहीं है, जब भी मैं देखती हूँ एक दो कभी आया तो मैं ऐसे ही छोटे से होते हैं मैं मार देती हूँ, तो मतलब मेरे प्लांट में कभी भी मिलीबग का प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि मेरी मिट्टी वेल ड्रेन है, इसमें कभी भी पानी ठहरा नहीं है, इसीलिए मेरे प्लांट में कभी भी मिलीबग का अटैक नहीं होता है। और नहीं धूप आती है तो मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला मिलीबग नहीं होता है, लेकिन ये देखो, हम गुजराती में उसको मैला बोलते हैं, ये चिटिया इसमें लेने के लिए आ जाती है और ये काला काला हो जाता है। पर मैं उसको मारती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी फूल सूख जाता है तो मैं तोड़ देती हूँ, इसी के साथ फूल में ये निकल जाता है, तो मैं इसको कभी नहीं मारी। तो अब हो गई वेलड्रेन मिट्टी, जब तक पानी सूखे नहीं हमें पानी नहीं देना है, ऐसी वेलड्रेन मिट्टी बनाना है। और कभी भी मिलीबग का किसी का अटैक है तो हमें कार्ड निकाल देना है, इसके लिए आप नीम ऑयल और शैम्पू का स्प्रे कर सकते हो कोई भी, तो भी आपके मिलीबग का अटैक जो होता है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही अभी गर्मी शुरू हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक ही मिलीबग ख़त्म हो जाएगी। तो जब आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होगी और इसमें पानी नहीं ठहरा होगा। अब खाद कौन सी डालनी है वो भी मैं आपको बताऊं।
वैसे तो जो भी प्लांट, मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि जो भी मनुष्य होता है, इंसान होता है, ज़्यादा काम करता है तो उसको खाना भी ज़्यादा पड़ता है, और जो ऑफिस वर्क करता है, कुर्सी में बैठ के काम करता है, तो इसको कम खाना चाहिए। ऐसे ही हमारा प्लांट है, हैवी फीडर है, क्योंकि इसको बार बार लगातार फ्लावरिंग करता ही रहता है, चाहे देसी हो और चाहे ये हाइब्रिड। तो जो प्लांट, जो इंसान ज़्यादा काम करता है तो ऐसे ही जो ज़्यादा खाता है, ऐसे ही हमारे प्लांट जैसे गुड़हल है, गुलाब है, चंपा है, उस प्लांट को भी हमें इसको बार बार खाना रिपीट करना पड़ता है। पर हम जब भी खाद देंगे तो क्या करना है, एक ही खाद हमें नहीं देनी है, बार बार हमें खाद को रिपीटिंग नहीं करना है। इस बार दाल चावल खिलाया तो फिर सब्जी रोटी खिलाओ, ऐसे ही हमारे प्लांट को हमें चेंज कर कर के खाना देना है, तो ही हमारा प्लांट खुश रहेगा और हमें ढेर सारे ऐसे ही कलियां भर भर के हमें फूल देता रहेगा। तो इसके लिए हमें गुडाई करनी है, और एक मुट्ठी आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे दो, कोई भी खाद दे दो तो भी, अब और ऐसे गुडाई करके आप बीच में कर दो इसके, और फिर इसमें आप एक मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, पत्ती की खाद जो भी है आप उसको दे दो। फिर क्या देना है, इसको पोटाश देना है। तो पोटाश दो प्रकार के आते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ऐसे पाउडर फॉर्म में भी आता है, NPK 0050, ये मेरा NPK 0050 है, देखो 50 दिखा रहे हैं, तो NPK 0050 है, वो पोटाश होता है अकेला। तो आप इसको हर महीने में कब कितना देना है, हर महीने में गमले के हिसाब से हमें एक चम्मच देना है। मैं दिखाऊं, तो मैं अपने हर महीने में अपने गमले में बस इतनी एक छोटी सी चम्मच देती हूँ, ये देखो 0050। तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, अमेजोन से भी मिल जाता है, नर्सरी में से भी मिल जाता है, बहुत इतना कहीं महंगा होता नहीं है। और नर्सरी वाले के पास जाओगे तो आपको नर्सरी वाले एक ऐसा भी देगा, वो बोलते हैं ऑर्गेनिक है, लेकिन बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो भी केमिकल है। अगर आपके पास ये है तो गमले के हिसाब से आप 4-5 दाने, छोटा गमला है तो छोटा, बड़ा गमला है तो थोड़े 8-10 दाने डाल दो, अगर प्लांट पुराना है तो 15-20 दाने डालोगे तो भी कुछ नहीं होगा। मेरा ये प्लांट 4-4 साल पुराना है तो मैं ऐसे ही इसको डाल दिया, और ये भी डाल दूँगी। देखो इसको कब रिपीट करना है, हर महीने में एक बार। और अभी जैसे ही आपके अगर प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो जैसे ही अभी फरवरी शुरू हो जाएगी या 15 जून के जुलाई के बाद भी, सॉरी जनवरी के बाद भी, जैसे धूप आएगी और अपने प्लांट अच्छे से ऐसे फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे, जैसे मेरे तो यहाँ धूप नहीं आती है, फिर भी आप देख सकते हो कि मेरे प्लांट में कितनी ढेर सारी कलियाँ बनी रहती है और हर रोज़ मेरे प्लांट में फूल खिले रहते हैं। यहाँ देखो, आपको दिखाई देंगी कलियाँ। तो बस वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ, पानी का खास ख्याल रखो, अच्छी सी धूप दो, और 0050 है पोटास, कोई भी ऐसे वर्मी कंपोस्ट खाद दे दो तो भी आपके गुड़हल में इतने ढेर सारे फूल आएंगे। चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।